इंस्टाग्राम रील्स पे ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है और ये वाला इफेक्ट अगर तुम अपनी वीडियो में लगाते हो तुम्हारा वीडियो जरूर से वायरल जाएगा। देखो तुम्हें सिंपल सबसे पहले करना है क्या होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद सिंपल क्या करना है, आप लोगों को कैपर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने टेलीग्राम पे दिया है, जाके इसको डाउनलोड कराना। कैपर को यूज करने के लिए एक वीपीएन का यूज करना जरूरी होता है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना। देखो सिंपल सबसे पहले क्या करना है, कोई से ब्राउजर को ओपन कर लेना है। चलो जैसे मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया। इसके बाद सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख लेना हेलिंग थाईलैंड, ठीक है। जैसे आप हेलिंग थाईलैंड लिखेंगे, इसके बाद कैप का टेम्पलेट भी लिख लेना है। इसके बाद आपके सामने जो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा सिंपल। इसके बाद आप लोगों को यहाँ से जो है इसी पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक सबसे पहले वेबसाइट पे ही क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये ओपन हो करके आ जाएगा। सिंपल क्या करना है, यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करना है। अब यूज़ टेम्पलेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं इसका साउंड थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब इसके बाद आपके सामने वो इंटरफेस आ जाएगा, फिर आपको यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो है अपने वीडियो को ऐड कर देना है। चलो जैसे कि मेरे पास एक वीडियो है, मैं उस वीडियो को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक वीडियो है, मैं ये वाले वीडियो को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस वीडियो को ऐड करने के बाद आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। आपको थोड़ा सा लोडिंग इफेक्ट होगा और इसके बाद आपका जो वीडियो है वो कंप्लीट तरीके से बन जाएगा। आपका नेट थोड़ा स्लो हो सकता है, तो हो सकता है इस वजह से आपका थोड़ा सा एरर आ जाए, ठीक है। तो आपको वापस से अप्लाई करना है और फिर आपका जो वीडियो है वो कंप्लीट तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है और आपका वीडियो जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होकर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो जब तक ये सेव होता है तो अपन इसका थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। सेव होने के बाद सिंपल क्या करना है, आपको बैक आना होगा, डन क्लिक कर देना होगा, फिर आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद सिंपल क्या करना है, आप जो डायरेक्ट कैपकट ऐप के अंदर आ जाएंगे। अगर नहीं भी आते हैं तो कैपकट पे क्लिक कर देना, कैपकट में आ जाएंगे। सिंपल क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पर जाने के बाद सिंपल क्या करना, जिस वीडियो को जस्ट अभी आपने एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को यहाँ लेकर के आ जाना। इसके साउंड को म्यूट कर लेना और एंड के अंदर आने के बाद वाटरमार्क को डिलीट कर लेना सिंपल। इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को यहाँ से जो है आपको ओवरले पे जाना है, एड ओवरले पे जाना है। डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो का लिंक दूंगा, उस वीडियो को जाके डाउनलोड कर लेना, मतलब इसी वीडियो का लिंक दूंगा और इसी के अंदर वो वाला साउंड मैं ऐड कर दूंगा जो इस टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड करने के बाद सिंपल ये वीडियो आ जाएगा। थोड़ा सा आगे आना है और आगे आना है, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है। एक्सट्रैक्ट ऑडियो करने के बाद सिंपल क्या करना है, जिस वीडियो का भी जस्ट ऐड किया था इसको वापस अपन डिलीट कर लेंगे और इसका वीडियो का जो ऑडियो है वो निकल करके आ जाएगा और आपका वीडियो कंप्लीट तरीके से बन जाएगा, जैसे कि तुम अभी देख सकते हो। इसके बाद एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाके अपनी वीडियो को वापस एक्सपोर्ट कर लेना और आप इंस्टाग्राम पर जाके अपलोड कर देना। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना। यही था आज की इस वीडियो।